लड़ाई हो रहा है यहाँ तो देख। हाँ हाँ, अरे भाई साहब क्या बंद। अरे भाई, अरे मैं हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। सो हेलो फैमिली को बैक टू द अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप लोग कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? मस्त हो? मैं भी ठीक हूँ। हमारा भी अभी जस्ट उठा हूँ, सोया हूँ अभी, सो के उठा हूँ अभी। शाम को कितना बज चुका है? 6 बज चुका है। तो अभी हम गुड़गांव निकल रहे हैं सदर बाजार। सदर बाजार इसलिए जा रहे हैं कि ये जो है ना, ये सामान, ये मेरा ही कपड़े है। उस दिन पिछले संडे को लेके आया था इधर बेबी ने। हेलो बोल दो। हेलो गाइस, बीबी ने लाए थे तो ये मेरा मेरे साइज का नहीं हुआ, ये छोटा हो गया, तो इसलिए इसको चेंज करने आना है। और बीबी अभी घर से निकल रहा हूँ, कुछ और बाकी काम तो नहीं है, सिर्फ यही है इसको चेंज करके आऊँगा। तो गाइस मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और 10K हो गया है, बहुत खुश भी हूँ, दुख भी हूँ, दोनों हूँ। सो आप लोग को मैं सीधा अभी उधर रास्ते में मिलेंगे, ठीक है? सो गाइस अभी हम कमरे से निकल चुका हूँ, आ चुका हूँ अपना मोटो ब्लॉग सेटअप पे। सो गाइस अभी हम जा रहा हूँ वही सदर बाजार, और जो कपड़ा लाया था उसको चेंज करेंगे, उसके बाद आएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नहीं लगेगा आई थिंक मेरा ख्याल में। इसको दे के दूसरा बड़ा साइज वाला लेके आऊँगा। सो आप लोग वीडियो को अंतिम तक देख लीजिए। सदर बाजार जा रहा हूँ अभी, आ गया क्या टी पॉइंट बोलते हैं इसको, टी पॉइंट। ग्रीन रेड ज़्यादा है, लेकिन हम तो इधर लेफ्ट साइड जाएंगे, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड लाइट बोला हुआ था, होता तो भी हम निकल सकते थे इस लेफ्ट साइड पे। वही राइट साइड जाने के लिए मना है, लेफ्ट साइड पे जाने के लिए कोई कुछ नहीं मना नहीं है। सो गाइस ये देखो गाड़ी, हमारा नेपाल में इतना बड़ा वाला गाड़ी होता ही नहीं। आप ये यो लगा रहा है ना, ये तो लगा सके मुझे, ये लगाया रहा है गाइस। इसे कैसे रुता होता, आउनु मानसे आउनु जानु मिल देना ना। ये जो है ना, ये दीवार फलाम के लो है का, ये पहले नहीं था, अभी ये लगा रहा है। ये देख सकते हो, ये जो है ना उदा सिटी सेंटर लेफ्ट की तरफ। हम जाएंगे सीधा पूरा। महावीर चौक ये सीधा है, ये देखो गाय सब रास्ते पे क्या बोलते है, चल रहा है, खा रहा है घास। और ये ऊपर में ये क्या बनने वाला है, बहुत ये तो बहुत दिन से ऐसे ही देख रहा हूँ, दो साल हुआ है इधर आया हुआ है मैं, तो 2 साल से देख रहा हूँ। मतलब मेट्रो का और पटरी बनने वाला होगा शायद, लेकिन ऐसा ही है। इधर से जाएंगे तो सीधा हुडा सिटी सेंटर, हुडा सिटी नहीं उत्तर चौक। जोमैटो फूड डिलीवरी बॉय, इन लोग को जल्दी होता है पूरा।
क्योंकि जितना जल्दी चलाएंगे तो उतना जल्दी पहुंच जाता है ना अपना वो लोकेशन पे, तो ऑर्डर एक दे के फिर दूसरा ऑर्डर ले लेता है, इसीलिए इन सबको जल्दी होता है। फूड डिलीवरी नहीं, वो जो ओला उबर रैपिडो चलाता है ना, वो वाला भी ऐसा ही करता है, पूरा जल्दी में होता है उन लोग को। अभी मैं भी अब चलाने वाला हूँ उबर गाइज, रैपिडो, रैपिडो ब्लॉग आएगा अब कि ना, के करना है गाइस। 14 सेक्टर आ गया, अब थोड़ी आगे है बस स्टैंड, उसी के सामने मैं ले आऊँ। मैंने तो लिया नहीं, बीवी ने लेके गया था, अगर मैंने लिया होता तो ऐसा नहीं होते, एक ही बारे में अपना साइज को लेके जाता। बीवी ने लेके गया था मेरे लिए, मेरे लिए शॉपिंग तो कर देते, लेकिन क्या है कि कोई साइज का चीज ही नहीं लेके आते है। मैं अभी नहीं, पहले भी लेके आता है कितने बार, लेकिन वो बे साइज का होता है, एक छोटा होता है, कोई कलर अच्छा नहीं लगता है। आज तक एक बात बताऊं, आज तक ना मैं जितना भी कपड़ा पहना हूँ, कभी दूसरे किसी और ने लाए हुए कपड़ा पसंद नहीं लगता ही नहीं है, और लेके भी आया नहीं है, पसंद लगता नहीं है, इसलिए मैं जो भी बोलते हैं ना लेके आऊँगा तो मैं मना कर देता हूँ, मत लाओ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता ही नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बिना अच्छा लगे कपड़ा पहने, इसलिए मैं मना कर देता हूँ, अपना खुद लेके आता हूँ, कैसा भी हो अपने लिए सही हो तो सही। सो गाइस, लंबा टूर में जाने के लिए सोचा था, वो भी कैंसिल हो गया, गया नहीं गाइस। और फिर दोबारा 2-3 दिन का छुट्टी होगा ना, तब जाऊंगा फिर। अब वो 2-3 दिन का छुट्टी तो कब आएगा पता नहीं भाई। हाँ, वो दशहरा के दिन है छुट्टी, लेकिन दशहरा तक तो मैं अपना गांव चला जाऊंगा, नेपाल जा रहा हूँ। आज मैं आप लोग को नेपाल का ब्लॉग दिखाने वाला हूँ, वो भी काठमांडू ठामेल बाजार का। घर जाऊंगा ना मैं, ठामेल बाजार का ब्लॉग आप लोग को दिखाऊंगा सैटरडे नहीं फ्राइडे नाइट ठामेल बाजार, ले जाऊ घुमाऊ ना मलाई ठामेल बाजार, चौसी चढ़ाऊ दे। ये जो गीत है ना गाइस, ये नेपाली गीत है हमारा, वहाँ का नेपाल का काठमांडू जगह का ठामेल बाजार फेमस है। तो आप लोग को मैं जब भी मैं नेपाल जाऊंगा ना, ठामेल बाजार का ब्लॉग दिखाऊंगा। So, उसके लिए ज़्यादा नहीं, 2 महीने वेट कर लो, 2 महीने के बाद मैं ठामेल बाजार का ब्लॉग लेके आऊँगा आप लोग के सामने में। कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोग कमेंट कर दो ठामेल ब्लॉग के लिए। कैसे चढ़ा हूँ दे,
ले जाओ। ये आगे में ना बड़ा बड़ा फोर व्हीलर गाड़ी सब आएगा ना, बहुत दिक्कत होता है। हाँ, अरे यहाँ देखिए तपन छ जाने बाटो, ते भर बने को कहानी रहो त्यो गेट अगाड़ी तो बजार। हाँ आज संडे है भाई, इसीलिए बहुत भीड़ भी लगता है, जाम होते है। अरे देखो, देख सकते हो ना, देख रहे हो ना, पूरा डिफेंडर डिफेंडर गाइस। ऐसा ही जाम लगता है भाई, हमारा काठमांडू में ऐसा जाम होता है और बाकी जगह पे तो इतना जाम नहीं लगता है। यहाँ बड़ा सट जान दे तो हो, जाने दी देना। यहाँ तो फिर क्या होता है कि न्यूट्रल लेने के लिए पूरा लंबा आगे जाना पड़ता है, जहाँ से होता है यहीं से कट नहीं मार सकते है ना, वहाँ वो आगे जाना पड़ता है उधर आगे। लेकिन ये भी ठीक है वन वे, नहीं हमारा उधर नेपाल में तो ऐसा वन वे नहीं है ना, तो कहीं से भी वहाँ तो हम लोग घुमा सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जहाँ जगह है ना वहीं से ले सकते हैं, बाकी से नहीं भैया। यहाँ से है यू टर्न, ये है सदर बाजार का ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम है। ए यहाँ से घुमा लो भाई, यहाँ आने पर त्याँ को लगे अगि त्याँ त्याँ जानू हो, अब इसको लगे यहाँ आने पर। यो खाले हेलमेट लिख पर्थ क्या जो सानों वाला, यो ब्याग में पनि आइहाल्थ्यो, बोकेर हिँड्नु जता सवारी मेन झिका दियो लिएर हिँड्नु। पैसा छैन अब के गर्नु, लिने त भने थिएँ नि, यो मुलाया हातमा झुन्डा हिँड्नु पर्छ कि त ठुलो ब्याग लिनु पर्यो यसको लागि। ठुलो ब्याग पिन्ने पैसा त फेरि यस्तै हेलमेट नै आइहाल्छ, यो लगाएको हेलमेटहरू हेर्न हाँस उठ्छ यो हेलमेटहरू देखेर। उयो पछाडि बस्ने लगायो नि तेरो जस्तै हेलमेट, त्यो सिसा खुस भत्क्यो भने त्यस्तै हुन्छ। एक तो हैवी बाइक सबका यही प्रॉब्लम होता है भाई, पूरा संडे हो ना आज, आज संडे है भाई इसलिए इतना जाम मिलता है। ये हैवी बाइक सबको क्या होता है, बड़ा स्पेस चाहिए घुमाने के लिए। अब ये जो छोटा वाला आगे देख सकते हैं स्प्लेंडर वगैरह, ऐसा जो छोटा सा रास्ता है घूम जाता है, तो इनके लिए तो पूरा थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए। चलो भाई चलो चलो, इतना जाम है ना भाई साहब। हेलो हेलो, ठीक हो? चलो ठीक हो तू? सिटी से दो छोटू सब था, वो पूरा हंस रहा था तो मैंने बोला दिया हेलो। अभी बन्नी हेलमेट पहन के आया नहीं, अगर वो कल हेलमेट पहन के आया होता तो और भी ज़्यादा रिएक्शन आता। लेकिन मतलब कि जो वो यूट्यूब के बारे में, जो यूट्यूब
देखते हैं ना उसको पता होता है कि ये हाँ यूट्यूब के लिए ब्लॉग बनाता है, यूट्यूब पे वीडियो डालता है, ये पता चल जाता है गाड़ी से, मतलब हेलमेट पे वो कैमरा देखते हैं ना उसी से पता चल जाता है। अब वो जैसे कि वो छोटे था अभी, उसको पता होगा कि हाँ ये ब्लॉगर है, ब्लॉग बनाता है, यूट्यूब पे वीडियो डालता है, ये पता हो है, इसीलिए उसने बुलाया, स्माइल दिया। सो गाइस ये देखो गुड़गांव की पूरा ट्रैफिक जाम। हाँ करता है सुन। सो गाइस अपना काम भी हो चुका, अब हम फिर चला जाएंगे सीधा कमरे। जाम भी इतना लगता है ना, सारा चक्कर आता है जाम देख के। सो गाइस काम हो गया, चेंज कर लिया अपना कपड़े, बड़ा साइज को ले लिया, अब जा रहा हूँ, अब कमरे जाएंगे। कल भी छुट्टी है, एक दिन का छुट्टी और है, आज था कल था, दो दिन का छुट्टी था, अब आज का एक दिन तो खत्म हो गया, अब बाकी कल है। कल देखेंगे क्या होगा। 7 बज चुका है गाइस, ये जो लाइट है ना, ये लाइट जलता है तो अच्छा लगता है, पूरा सही लग रहा है ना, ये कि इंडिया का झंडा के कलर है, ऊपर से ऊपर में है ऑरेंज कलर, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन, ग्रीन बोलते हैं, ब्लू ग्रीन बोलते हैं शायद, झंडा का कलर भी ऐसा ही होता है ना इंडिया का। वाह देखो थार, सही है ये गाड़ी भी, मस्त लगता है मेरे को तो ये थार महिंद्रा का। ये देखो ब्लैक कलर में तो और भी सूट दामी मैच, सही सही सही। भूख लग गया है यार, क्या हो गया, लड़ाई हो रहा है क्या, लड़ाई हो रहा है यहाँ तो देख। हाँ हाँ अरे भाई साहब क्या बंद, अरे भाई अरे मैं इधर से लौड़े सर हेरू ना एक्शन के भाई पूरा मैं, क्या हो गया भाई पूरा मार रहा है एक बंदे को, दो दो मिल गए भाई साहब, क्या हो गया रोड के सामने पूरा मार रहा है एक बंदे को, दो मिल गए, हमको तो पता नहीं है कि उस बारे में क्या हुआ था, पूरा मार मार रहा है। मैं तो रास्ते में चल रहा था तो थोड़ा क्लिप गोपुरों में शूट हो गया है, उनका रीज़न क्या है मारने का वो तो पता नहीं है, अगर थोड़ी देर वहाँ रुकता तो अच्छा, मतलब क्या एक्सेल में क्या हुआ था वो पता चलो, लेकिन पीछे से बीवी चलो 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 बोल रही थी, फिर चले गए आ गए हम लोग। वो भीड़ में कस्तो दामी देख रहा है नी, कस्तो राम फोटो खींचने, फोटो खींचने क्या सही लग रहा था। सो गाइस ये लाइट जो है ना बहुत सही लग रहा है, ये लाइट पूरा मस्त। सो गाइस ये जो लाइट है ना, लाइट सही दिख रहा है ना यहाँ से, तो इसीलिए हम लोग थोड़ी देर रुका है यहाँ, पार्किंग किया हूँ गाड़ी, यहाँ से भी देखो कि इधर भी सही नजर आ रहा है साइड पूरा, और इधर तो और भी अच्छा लग रहा है। सो थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुका था, ये लाइट जो है ना लाइट का अच्छा लग रहा था सीन व्यू, तो इसलिए हम थोड़ी रुका था, जो आगे झगड़ा भी हो रहा था वो भी थोड़ा देख लिया,
सो अभी हम यहाँ से निकलेंगे अब। सो गाइस हमने थोड़ा बहुत फोटो शूट ले लिया, फोटो कर दिया। हाँ रोकनु रे ये अनरोक रहा। ये देखो आगे का नजारा कितना बहुत सुंदर लग रहा है ना। शायद गोपुर में उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रियल में पूरा खतरा मस्त लग रहा है। मस्त मतलब नेपाली लैंग्वेज है मस्त। ये देखो पूरा सगा। जब हम लोग अब कमरे पहुंचने वाले हैं, 2-3 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही ख़त्म करने जा रहा हूँ मैं। अब कल कंटिन्यू करूँगा फिर दूसरा ब्लॉग के लिए। आज के लिए बहुत हो गया, इतना ही काफ़ी है। सो वीडियो कैसे लगा कमेंट कर दो, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।